मेरा हार्ट अटैक होते होते बचा। इधर लाइक मैं बोलूंगी डिफॉल्ट शॉपिंग ऑन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? सी आज का मौसम बहुत सुहाना है, पर हाँ कल हम लोग के यहाँ पे बहुत खराब मौसम था एंड कई जगह पे ना फ्लड हुआ है। न्यूयॉर्क पे जैसे सबवे पे भी लाइक फुल पानी एंड ऑल चला गया है। एंड सुबह में मैंने लाइक जब मैंने इंस्टाग्राम खोला देन मैंने आप लोग बहुत जन मुझसे पूछ रहे थे कि पायल तुम लोग ठीक हो? तो हम लोग के यहाँ पे तो यू हैव सीन ना, ऐसे हिली प्लेस है ना, तो पानी भी हो तो यहाँ पे कभी भी पानी नहीं होगा। बट हाँ, हम लोगों के विलेज में एक दो बार जब ऐसा फ्लड हुआ था तब हम लोगों के विलेज में फ्लड हुआ था। बिकॉज हम लोगों के विलेज में ना एक स्मॉल लाइक एक क्रीक टाइप जाता है, तो जो जो जगह पे वो क्रीक है ना वहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सजेस्टेड मी कि एक लाइक रैक्स को ना एक ऐसा एरिया करने को, जैसा मैंने बोला था ना कि गिव हिम ए प्ले पिन, एंड स्पेशली ना उसका जो क्रेट था ना फिर हम लोगों ने निकाला। तो अभी मैं देख रही हूँ ना ही स्टेइंग गुड, लाइक वहां पे उसके सारे टॉयज एंड ऑल है अभी जैसे ये सो रहा है। एंड हाँ, मंडे को कोई वीडियो नहीं आएगा, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, बिकॉज यूएस में जब छुट्टी रहता है तब मैं भी छुट्टी मारती हूँ। एंड हाँ, राय तो नीचे ही थी एंड रैक्स भी आ गया है राय के गोदी में। मैं राय को बोलती हूँ, राय तुम इतना ज़्यादा ना अभी तुम ज़्यादातर नीचे ही रहो ताकि ये तुमको ना देखे, बिकॉज राय का जब स्कूल रहेगा ये राय तो रहेगी ही नहीं। तो एनी हाउ, जो भी हो अभी टाइम इज 10:30 को मैं और राय सोच रहे हैं निकल जाएंगे। मैं शॉमी के लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ क्योंकि इस वीक आफ्टर 1 ईयर हम लोग अपने फ्रेंड से मिलेंगे, तो दो फैमिली से मिलेंगे। तो उसके लिए आई विल बाय सम गिफ्ट एंड ऑल, इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। एंड मेरे घर में ना शुगर नहीं है, तो ब्राउन शुगर था, तो ब्राउन शुगर से ना चाय बनाया, बहुत ही कैसा ना फीका फीका लग रहा है। या एंड राय ने रेक्स का लाइक राय इतनी एक्सपर्ट हो गई है ना, कोई पप्पी ले तो लाइक को लेके जाना ट्रेनिंग देने के लिए, लाइक वो सब खुद अकेले ना लाइक रेक्स को उसने ब्रश वश भी करा दिया है। ऐसा वो लोग को ब्रश कराना चाहिए ना, तो पहले तो राय और शॉमिक दोनों पकड़ के ब्रश कराते थे, फिर राय ने एक वीडियो देखा टिकटॉक पे, फिर राय वाज लाइक मम्मी मैं करा के दूंगा, लाइक वो अकेले कैसे करके, समथिंग इज देयर दे विल ओपन, तो वो करा के अच्छी तरीके से वो दे देती है। तो निकलने में थोड़ा लेट हो गया, 11:00 हम लोगों ने सोचा था, नाउ इट इज 11:15। एंड हाँ, अभी कहीं पे भी जाओ ना, मुझे कहाँ पे गया दो, हर वक्त ही मुझे सिर्फ स्नीकर्स पहन के जाना होता है, दिस इज क्या करे अभी। या यू लव स्नीकर्स, पर स्नीकर्स मुझे पसंद ही नहीं है। स्नीकर्स मुझे पहले लगता था सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए लोग पहनते हैं, पर नहीं, मैं गलत थी। स्नीकर्स मजबूरी में क्या, बहुत जनों को पसंद है पहनना। या राय जैसे बोले आई लव स्नीकर्स, पर मुझे ना ऐसा कभी कभी फैंसी शू पहनने का भी मन करता है ना। एंड हम लोगों के यहाँ पे ना अभी जो प्रॉब्लम है कि जैसे मैं बोल रही थी ना कि हम लोगों के यहाँ पे अभी ना एक ही मॉल है और दूसरे तो मॉल है बट इट इज़ क्वाइट फार, घर के पास में वो भी जो मॉल है दैट इज़ नॉट दैट नियर, दैट इज़ अराउंड 15 miles। एंड पहले जैसे बहुत सारे दूसरे दूसरे शॉप्स हुआ करते थे, वो तो सब बंद हो गए हैं। तो देखती हूँ, फर्स्ट मैं सोच रही हूँ जाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्या, क्या हुआ? हाँ, मैं सोच रही हूँ होम गुड्स पे जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लेडीज को हर वक्त घर का सामान ही पसंद होता है। हम लोगों का लगभग प्लान फ्लॉप हो चुका है, मे बी हम लोगों के विलेज में फिर भी मुझे लगता है ट्रेल पे तो कुछ हुआ है, हम लोगों के विलेज विलेज पे इतना कुछ असर नहीं हुआ है, पर यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द रोड्स आर क्लोज। तो राय अभी मैप में देख रहे, इट सीम्स जगह जगह पे एक्सीडेंट्स हुए है, तो मैं राय को बोली हूँ चलो घर ही चले जाते हैं।
इट विल टेक 12 मिनट्स आई नो, बट आई डोंट नो नो कितना कितना और एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे ना ये सब में बहुत डर लगता है. राय भी बोली मम्मी एडवेंचर है, चलो चलो. सिंपल नहीं, सिंपल तो है पर मुझे बहुत डर लगता है ये सब से. आई डोंट नो यार, आई गेट गोइंग टू न्यू प्लेस, दैट इज नॉट एट ऑल फन. ओके, आई एम ए ओल्ड लेडी को लेके ये लोग फन कर रहे. मैं फुल कंफ्यूज हो रही हूँ, यू नो ग्लास का कुछ लेने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा दूर है ना, कभी कभी होता है ना टूट जाता है, तो वही वही लाइक टोटल कंफ्यूज हूँ मैं क्या लूँ. तो अभी तक हम लोग मॉल गए ही नहीं एंड शायद जाएंगे भी नहीं, तो यहाँ से हम लोग का हो गया. अभी राय को बहुत भूख लग गया, तो यहाँ पे पनीरा ब्रेड है, तो राय लाइक उसको पनीरा ब्रेड से कुछ खाना है, तो मैंने बोला चलो तुमको खिला देती हूँ पनीरा ब्रेड से. तो शायद अभी मॉल इज कैंसल, क्योंकि पता नहीं है ना कि कहाँ पे क्या हुआ है, बट इट इज़ रियली स्केयरी. एंड शॉमिक बोल रहे थे इट सीम्स न्यू जर्सी में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मेनी ऑफ यू आई नो जो लोग न्यू जर्सी में रहते हैं, आई होप कि आप लोग सब सेफ हो. तो लोग सोचते कुछ है पर होता वही है जो नसीब में है. आज निकले थे मॉल में जाएंगे सोच के, एंड राय ने मुझे वो $50 का सिफोरा कार्ड दिया था ना, तो मैं सोच रही थी मैं उससे भी कुछ खरीद लूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. पर जो भी हो अच्छा हुआ. अभी मैं सोच रही हूँ कि रास्ते पे बेड बाथ पड़ेगा, मैं वहां पे चली जाऊंगी. तो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड यहाँ भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एम्प्टी सी, सब कुछ खाली है. पता नहीं क्या करूँ, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना. तो जस्ट आके अभी हम लोग घर पहुंचे एंड नाउ द टाइम इज 3:15 एंड मैं आप सबको क्या बताऊं, मेरा चेहरा का हालत देख के पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. जब हम लोग गए ना तब तो वैसा हुआ, रोड एंड ऑल क्लोज, तो जैसे भी हम लोग पहुंच गए फिर भी तो मैं मॉल एंड ऑल नहीं गई. फिर आते वक्त ना मुझे और एक रोड पता था, तो शॉमिक ने भी मुझे बोला पायल तुम वो रोड लेके आओ, तो मैं भी बोली थी हाँ मैं वो ही रोड लेके आऊंगी, मुझे पता है वो रोड. ऐसा बोलते हैं ना जब खराब होता है नसीब तो क्या करें. वो रोड के पास गए, वो रोड भी फुल बंद, लाइक वो रोड नहीं होता तो और एक रोड है वहां पे भी हम लोग आ सकते थे. ऑल द रोड्स आर क्लोज. फिर मैं क्या करूँ, एंड यूएस में ना ऐसा है ना कि एक रोड ना अगर आप दूसरे कहीं रोड पे चले जाए बहुत ऐसा घुमा के ले जाते हैं. मेनी ऑफ यू नो राइट, यहाँ पे तो एक रोड ना हजार रोड बन जाता, लाइक सो मेनी लेन्स आर देयर, सो मेनी वेज यू कैन गो. फिर मैं क्या करूँ, फिर हम लोगों ने GPS पे लिखा, तो हम लोगों का घर जब दे रहे थे ना बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था. एंड मुझे ना, मैं बहुत ही सीक्रेट पर्सन हूँ, हर वक्त मैं बोलती हूँ ना कि मोस्ट ऑफ यू हैव सीन मी, मैं सेम शॉप पे ही जाती हूँ अपना हेयर कट कराने, ऐसे सब कुछ मैं हर वक्त ना सेम रोड पे ही जाती हूँ, मुझे वो बहुत लाइक आई फील वेरी कंफर्टेबल यू नो. तो जो भी हो, फिर यू नो मुझे तो इतना टेंशन है, शॉमिक को तो पता है कि दिस इज लाइक मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे शॉमिक भी टेंशन कर रहे हैं एंड मुझे तो लाइक रोना आ रहा था. आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल यू नो ड्राइविंग इन अ रोड जिस मैंने कभी भी ड्राइव नहीं किया हो एंड आई डोंट नो ऑल्सो. तो फुल एडवेंचर वॉज फॉर राय. राय बोल रही है मम्मी कितना अच्छा लगा ना, इट वॉज एडवेंचरस. हाउ वॉज इट वॉज, बोल रही है सुपर एडवेंचरस. मैं बोल रही हूँ मेरा हार्ट अटैक होते होते बचा. राय ने तो पनीरा ब्रेड पे खा लिया. एक्चुअली ना हालत बहुत ज्यादा खराब है. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक पता ही नहीं चल रहा है. तो आई होप यू नो सब लोग ठीक ठाक हो. तो शॉमिक ने कुछ ऑर्डर कर दिया था विच वॉज अ गुड थिंग ही डिड. तो राय तो नहीं खाएगी, उसने पनीरा ब्रेड पे टमेटो सूप खाया था. मैं राय के लिए एक दिन बनाऊंगी, मुझे पता नहीं था उसको टमेटो सूप इतना पसंद है. मामा किच्छू तो खाओ, हैव समथिंग ना. कम तो शॉमिक ने बहुत कुछ ऑर्डर किया है, वो होता है ना लड़के लोग जब ऑर्डर करते हैं, अब देखेंगे बहुत कुछ ऑर्डर कर देते. uh,
अभी ना अगर खरीदने जाओ ना लाइक ऐसा शॉप में जाके तो पहले जैसा कोई मजा ही नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ना एम्प्टी। इतना बुरा लगता है ना देख के। आज मैं आई थिंक आफ्टर वन ईयर बेड बाथ पे गई, सेम यू नो बेड बाथ का तो हालत और भी खराब, कुछ भी लिटरली नहीं था। क्या करे, और यू नो ये पैंडमिक ने सभी का हालत बहुत खराब कर दिया है। तो मेरा ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसके लिए ना मैंने ये एडविल ले लिया है। मे बी यू नो बिकॉज ऑफ द टेंशन ना कहाँ पहुंच गए, भगवान मैं घर कैसे जाऊंगी। जो भी हो, तो नाउ द टाइम इज 4 o'clock। मामा चलो, यू आर स्लीपिंग, चलो अभी सो रही है मामा, चलो इट इज 4 o'clock। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रायकोर लाइब्रेरी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का विलेज का लाइब्रेरी ओपन हो चुका है। तो राय मुझे पहले से बोल रही थी, मम्मी मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो मैंने बोला हाँ, पहले ना मेरे लाइक बैग में ना हर वक्त मेरा घर का की भी रहता था, अभी तो नहीं रहता है क्योंकि शॉमी हर वक्त घर पे ही रहते हैं, लाइक कोई ना कोई तो हम लोग घर पे रहते ही है। चलो माँ, तो सोच रहे उसको लाइब्रेरी लेके जाएंगे, फिर थोड़ा काम करते वक्त फिर रैक्स को लेके फिर जाना है, क्योंकि हम लोग का ये जो ट्रेन पे मैं जाती हूँ ना उसका भी रोड बंद है। एंड मैं बोलूंगी ना वी गॉट वेरी लकी, मैं हर वक्त बोलती हूँ यू नो वी शुड ऑलवेज काउंट अवर ब्लेसिंग्स। यू नो अभी हम लोगों के यहाँ पे ना मैंने देखा अराउंड 12,000 लोगों के घर में ना पावर नहीं है, तो वी आर वेरी लकी यू नो हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा पावर नहीं रहेगा तो हाँ जनरेटर तो चला सकते हैं, बट देन ऑल्सो यू नो कितना ही और चलाएंगे। इतना सारा सामान मैंने एंड राय ने खरीद लिया, तो आने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने खरीदा है, बिकॉज किचन रिलेटेड सामान सभी को बहुत पसंद है। एक अभी दिखा लेते हैं, ये राय ने खरीदा है उसके रूम में रखने के लिए, क्योंकि फॉल आने वाला है। चलो खोल के खिला भी दो एंड फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। एंड वो लोग का जो गिफ्ट था ना मैंने सब कुछ अलग करके रख दिया है। अभी सब ऊपर ऊपर रखना पड़ता है यू नो, एक यहाँ पे है ना, फिर एक यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ना मैं जैसे बोल हम लोग के विलेज में तो कुछ भी नहीं मिलता है, अब और क्या किसी को गिफ्ट देंगे। मेरे घर में शुगर नहीं है तो मुझे शक्कर खरीदना है, एंड फिर हम लोग रैक्स को लेने जाएंगे, फिर से ये पार्क में आएंगे, क्योंकि कमेंट पे कोई मुझे लिख रहा था कि पायल तुम ऐसा रैक्स के साथ यू नो फेच कर सकती हो, बॉल दोगी पार्क में, बॉल आएगा वो बॉल लेके आएगा। तो मैं उसको लिख रही थी, बॉल में फेंक तो दूंगी, बॉल ऐसे ही मेरे पास आ सकता है पर रैक्स कभी नहीं आएगा। ये अभी पपी है ना, ये ऐसा छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज है जो हम लोगों ने खरीदा, लाइक मैं बोलूंगी डिफॉल्ट शॉपिंग हॉल। तो फर्स्ट ना मैंने ये टॉवल्स खरीदे, एंड ये मेरे किचन के लिए नहीं है, ये यहाँ पे 3 towels है शायद, या 3 or 4 है, नहीं नहीं सॉरी 3 or 4, ऐसा ऐसा देखूंगी तो लगेगा 2 towels है। तो ये ना मेनी ऑफ यू नो कि जब मैं भोग एंड ऑल बनाती हूँ ना तो भगवान के लिए सारे मेरे बर्तन अलग है, लाइक प्लेट्स एंड ऑल एवरीथिंग अलग है, बिकॉज स्पेस भी है ना मेरे पास, तो मुझे लगा चलो स्पेस है तो करते हैं, पर दिस इज मुझे लगता है पर्सनल, सभी का अपना अपना यू नो रहता है इसमें। तो मुझे लगा कि मैं 2 towels खरीदती हूँ, तो ये 2 towels ये सब मैं ऊपर लेके चली जाऊंगी, लाइक पूजा घर में मैं रखूंगी। ये गया 2 towels, फिर ये तो दिस इज फॉर द कॉफी वन, क्योंकि इसमें ना सब कुछ नहीं आता है, लाइक सभी वो पॉड्स नहीं आते, तो ये पहले हम लोगों ने वी गॉट दिस वन, इट वॉज क्वाइट नाइस, तो फिर हम लोगों ने खरीदा। या फिर आई गॉट ये, दिस इज $5, ये भी यू नो सभी लाइक बर्तन ये सब भगवान के बर्तन ही जितना मैंने खरीदा है,
क्योंकि मैं हर साल ना गणेश चतुर्थी के टाइम ना, नहीं तो लक्ष्मी पूजा के टाइम ना, मैं कुछ कुछ ना भगवान के बर्तन ना ऐसा कलेक्ट करती हूँ। लाइक ऐसा बोलते ना, कर करके होता है ना, ज्यादा होता है। तो मेरे पास ना एक भी छलनी नहीं था, चाहिए होता है ना यू ना आलू एंड ऑल कट करके फिर धोने के लिए, तो मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ। ये तो राय ने खरीदा उसके रूम के लिए, क्योंकि फॉल आ रहा है, तो ये उसके ड्रेसर के लिए मैंने बोला चलो ले लो। ऐसा ये सब मुझे काफी पसंद भी है, तो अच्छा हुआ यू नो राय को भी ये शौक, ये सब में शौक है। मैं और प्रेस नहीं कर रही हूँ, नहीं तो एक जन पागल हो जाएगा। ये अभी वो दूसरा कुछ में बिजी है, बाद में जब वो फ्री होगा तब उसको देंगे। ये मैंने 6 स्पून खरीदा, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को भी पसंद नहीं है। These spoons are so big. तो शौमिक राय हर वक्त बहुत चिढ़ते हैं। I don't know what is the problem. मुझे तो ठीक ही लगता है कि ये इतना बड़ा स्पून है, बड़ा स्पून है। ये हम लोग के नॉर्मल यूज के लिए। फिर हाँ, ये एक बेकिंग करने के लिए भी मैंने एक खरीदा, मेरे पास छोटा नहीं था तो मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ। दिस इज ऑल्सो $5। एंड होम गुड्स में ना सामान नॉट ओनली सस्ता है, क्वालिटी ऑल्सो इज गुड। ऐसा नहीं होता है कि क्वालिटी बहुत खराब है, क्वालिटी इज गुड। फिर ये भी राय ने खरीदा अपने लिए, तो मैंने बोला चलो ले लो। ये कितना, दिस इज ऑल्सो, या दिस इज ऑल्सो $17। पर ये अच्छा है ना, दिस आई कैन वॉश, तो पहले मैं वॉश करके दूंगी, देन शी कैन यूज इट, यू नो जब बुक बुक पड़ती है। या इट्स ह्यूज लुक, तो वाओ, या गरम भी है, परफेक्ट यू नो एक जन के लिए। ये भी यू नो ये भगवान जी का ही बर्तन है, लाइक भोग प्रसादी के लिए। तो एक छोटा एक ऐसा मुझे चाहिए था खीर बनाने के लिए, लाइक पूरी तलने के लिए है, पर जो है ना उसी में मैं पूरी तलती थी, यू नो पहले खीर बनाती थी फिर पूरी तलती थी, यू नो लड्डू वड्डू बनाने के लिए। तो दिस इज अराउंड $15 एंड ये थोड़ा हल्का है, वी नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल। पर सी ये ऊपर का मुझे बहुत अच्छा लगा, सी थोड़ा ऐसा उड़ का है। फिर ये भी मैंने और एक खरीदा, ये भी लाइक भोग के लिए ही है, भोग का बर्तन में ही आएगा ये भी, क्योंकि कभी कभी यू ना पराठा एंड ऑल बनाना हो या ऐसा फ्राई करना हो ना, तो छोटा है ना इट्स इजी। ये सब देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है, सेम यू नो ये हैंडल ऊंट का है, पर ये भी थोड़ा आई फील सो हल्का है। जब मैं यूज करूंगी यू नो, जब मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगी तभी पता चलेगा कि कैसा है। तो फिर वेट, ये मैंने अपने लिए खरीदा, मेरे पास इसका एक छोटा बहुत ही छोटा वर्शन है, तो मुझे लगा चलो एक बड़ा भी ले लेती हूँ। ये यू नो इसमें आप कुछ गरम कुछ नहीं रख पाएंगे, बट हाँ कभी सैलड्स फिर यू नो हम लोग कभी चटनी बनाते हैं तो वी कैन आई कैन कीप इट हियर। एंड ये माइक्रोवेव सेफ है, बिकॉज इसका छोटा वर्शन मेरे पास माइक्रोवेव में क्या बोलूँ, लाइक डिश वॉशर सेफ है, विच इज ए गुड थिंग। फिर ये राय ने एक चॉपस्टिक खरीद, एक नहीं 4 चॉपस्टिक है, ये मुझे बहुत पसंद आया, रियली ब्यूटीफुल। ये कितना है, या सी दिस इज ऑल्सो $10। तो ये यू नो ऐसा ही कभी हम दोनों चाय पीते हैं ना, तो परफेक्ट साइज है। एंड देखने में भी इतना खूबसूरत है ना, ये देख के मुझे लेने का मन किया, इतना कुछ ही हम लोगों ने खरीदा। खत्म, टाइम हो रहा है 6 o'clock एंड मैं बस आज का वीडियो इतना तक ही रखूंगी। आज मैंने कुछ खाना बनाना नहीं दिखाया, क्योंकि आज मैंने कुछ खाना ही नहीं बनाया। एक मोमेंट पे तो लग रहा है भगवान मैं कभी मैं घर आ पाऊंगी, तो ना ऐसा थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना, ऐसा तो आ पाती कुछ होता तो मैं राय को बोल रही थी राय मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो वो लोग के लिए भी सब कुछ खरीद लिया, और थोड़ा बहुत खरीदना बाकी है, वो हो जाएगा।
तो विथ दिस लवली लवली मौसम एंड आई होप सो जो लोग न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क में रहते दैट यू ऑल आर सेफ। मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ एंड मैं आप सबसे मिलूंगी सोमवार नहीं मंगलवार विथ ए न्यू वीडियो। जो लोग यूएस में रहते हैं एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड एंड जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं एंजॉय वीकेंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वीकेंड तो वीकेंड ही होता है एंड वीकेंड में सभी को मस्ती करना रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक एंड हाँ बाय बाय।